हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? हाँ जी बाबू, एबर बाबू कंफर्म कीजिए। आई बिलीव आई एम लाइव। ओके, आई कैन सी मनस्विनी, गुड मॉर्निंग। रोहित, गुड मॉर्निंग। बाबू एबर कंफर्म कीजिए वेदर द ऑडियो एंड द वीडियो इज फाइन और नॉट। बाबू आई बिलीव आई एम लाइव नाउ, आई कैन सी। अगर ऑडियो एंड वीडियो सही आ रहा है प्लीज कंफर्म कीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट। हाय राधिका, गुड मॉर्निंग। एजे, गुड मॉर्निंग। काव्या, गुड मॉर्निंग। चलिए, ऑल गुड टू गो। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि बाबू सब कुछ सही है। आज हमारा चैप्टर नंबर 2। तो अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1, 3, 4 एंड आज चैप्टर नंबर 2 का भी लास्ट लेक्चर है। बट इसके बाद एक लेक्चर और होगा, वो क्वेश्चन डिस्कशन का। बट कॉन्सेप्ट वाइज दिस विल बी आवर लास्ट लेक्चर एंड टुडे इज लेक्चर नंबर 7। आई एम अज्यूमिंग कि आपने बाबू लेक्चर नंबर 6 जो हमने जस्ट किया था कल, वो आपने रिवाइज कर लिया है। एक बार कंफर्म कीजिए वेदर आपने रिवाइज किया है या नहीं किया है। एक बार कंफर्म कीजिए वेदर आपने रिवाइज किया है या नहीं किया है। चलिए, डन डन डन। ओके ग्रेट, श्रीजा शिंदे मनस्विनी, ठीक है मैं अपना काम कर देता हूं। हमेशा कितना, फर्स्ट मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, सेकेंडली हम लोग रिवाइज करेंगे एंड देन विल स्टार्ट टूडेज डे। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, बाबू माय नेम इज सी किशन कुमार, आई एम रैंक होल्डर, थ्रू आउट रैंक होल्डर। जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं उसमें मेरे एग्जामिनेशंस थी एंड बिग फोर का एक्सपीरियंस है। अनअकैडमी के जितने भी लेक्चर्स होते हैं उनका अपडेट बाबू, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अनअकैडमी प्रोवाइड करता है बाबू फ्रीमियम मॉडल। फ्रीमियम मॉडल मतलब कई सारे क्वालिटी कंटेंट फ्री है, जैसे ये वाला लेक्चर। एट द सेम टाइम एक मोर स्ट्रक्चर्ड, मोर डिटेल तरीके से हम लोग पढ़ाई करते हैं प्लस पे। हमारा SM एंड EIS दोनों के प्लस बैचेस भी चल रहे हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सारा कुछ एकदम तरीके से आपको पूरा शेड्यूल दिया जाता है, सारे बुक्स एक साथ दिए जाते हैं एंड वो काफी ज्यादा बेटर प्लेटफॉर्म है। लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्स, इसी का बड़ा भाई है आइकॉनिक, जहां पे प्लस के सारे फीचर्स एडिशनली मेनली 3 है। एक 1-to-1 मेंटोर मिलेगा जो आपको सारा प्लानिंग करके देगा, दूसरा आपके मॉक टेस्ट इवेल्युएट कराए जाएंगे प्रॉपरली एंड थर्ड आपको प्रिंटेड बुक्स मिलेगा। हर सब्जेक्ट के बाद वो बेस्ट टीचर है, आप जिससे मन करे उससे पढ़िए, ओनली थिंग इज पढ़ लीजिए। जो प्राइसेस है अपने आप में काफी रीजनेबल है। अगर मैं प्लस की बात करूँ, स्टार्टिंग बाबू 1 month की 4000 से होती है, बट 6 month तक जाते जाते ये रिड्यूस हो जाती है मात्र 23,000 तक, 2300 तक, सॉरी। टोटल 6 month का 14,000, 12 month का 18,000 और 24 month का 24,000। बट ये डिस्काउंटेड प्राइस है, जिसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कोड CA किशन। अनअकैडमी पे कुछ भी करना हो, एक प्रीमियम कोड है, आप यूज कीजिए, आपको सारा एक्सेस मिल जाएगा। आइकॉनिक 6 month से स्टार्ट होगा 27,000, 12 month का 34 और 24 month का 55। माइंड यू, अगर आपने 6 month प्लस कर लिया तो आपको नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन मिल जाता है, आपको एक साथ इकट्ठे पूरे पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। करना कैसे, सिंपल अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और मेन्यू में जाकर मेन्यू में प्लस को सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉम्बैट एग्जाम बाबू आई थिंक सितंबर 12 को भी हो रहा है, प्लीज आप इसे ज्वाइन कीजिएगा। इस बार जो 5 September को हुआ था उसके रिजल्ट आ गए हैं, अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल पर डले हुए हैं। बच्चों को 100% स्कॉलरशिप मिली है, ट्राई कीजिए आपको भी मिलेगा। एंड फाइनली, अगर आपने 3 months का लिया 1 month फ्री, 12 months का लिया 2 months फ्री और 24 months का लिया 3 month मुफ्त, और किसी भी फ्यूचर अपडेट के लिए अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
ये था बाबू छोटा सा इंट्रोडक्शन, वो देना पड़ता है बट कोई बात नहीं। अब हम करेंगे रिवीजन। सी, जब लेक्चर नंबर वन था एकदम पहला वाला, मैंने ना कुछ बातें कही थी, मैंने कुछ कसमें खाई थी और ली थी, वाले कसमें नहीं पढ़ाई वाला। अभी तक जब हम लोग ऑलमोस्ट 80% सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, मैं बाबू अपने सारे कमिटमेंट पे कायम हूं। ये आपको अपने आप से पूछना है कि आपने जो फर्स्ट लेक्चर में कमिटमेंट ली थी, क्या आप उसे फॉलो कर रहे हैं? अगर आप फॉलो, कुछ बच्चे हैं, मैं इंडिविजुअली नाम नहीं लूंगा, बट कुछ बच्चे हैं जो राइट फ्रॉम लेक्चर वन से एकदम रिलीजियसली सिंसियरली जुड़े हुए हैं। अगर आपने वो प्लेज बाबू फॉलो कर लिया है ना, आपका दिसंबर एग्जाम कोई नहीं रोक सकता है। बट ऊपर नीचे बाबू करोगे दिक्कत हो सकता है। अभी भी समय है, अभी भी समय है, आप आराम से कर सकते हैं। मैंने बोला था रिवीजन मैं कराऊंगा डेली, मैंने बोला था अभी रिवीजन करके आइए, मैं अपना रिवीजन करा रहा हूं। आई एम श्योर आप अपनी ईमानदारी से अपने दिल से पूछ सकते हैं कि आप अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब सुनिए, मैंने कल पढ़ाया था आपको MIS, मैंने बोला था कि सर रिपोर्ट का मतलब होता है, रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ प्रॉपर एंड मीनिंगफुल मैनर। अब ये रिपोर्ट रेगुलरली जनरेट हो उसके लिए रिपोर्टिंग सिस्टम होती है, सिस्टम दैट जनरेट्स रिपोर्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस बेस्ड ऑन सम प्री डिफाइंड क्राइटेरिया। सबसे बेसिक रिपोर्ट बैलेंस शीट एंड पीएनएल होता है, बट अगर आप इंटरनल मैनेजर से, आपको इंटरनल डे टू डे डिसीजन मेकिंग के लिए राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे चाहिए होता है, फॉर दैट यू नीड मेनी मेनी मोर रिपोर्ट्स। और उसके लिए कॉन्सेप्ट आया MIS, जहां पर एक कंपनी का डेटा एक रिपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर्म में दिया जाता है मैनेजर्स को। इसके फीचर से आर्ट्स, सर एक्यूरेट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए और स्ट्रक्चर्ड मैनर में होना चाहिए। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू मेक डिसीजंस, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था होटल में कितने कमरे खाली हैं, उसका डिटेल रियल टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि सर ये जो डेटा सेट है क्यों ना इसे हम एनालाइज करें, ताकि हम इस पे कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। इसको बोलते हैं डेटा एंट्री, दैट इज यूजिंग द सॉफ्टवेयर या विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर यू आर एनालाइजिंग द डेटा सेट्स टू ड्रॉ कंक्लूजंस फ्रॉम इट। अब जैसे कई सारे टूल्स हैं डेटा एंट्री के, जैसे ओलैप ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसीजर, टेक्स्ट माइनिंग, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, बिजनेस इंटेलिजेंस, ये सब टूल्स हैं। सर डेटा एनालिटिक्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? तब बोल सकते हो बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस, मार्केटिंग कंपनीज, ई कॉमर्स कंपनीज, मोबाइल कंपनीज, ये सब। फिर हमने पढ़ा कि सर कितने टाइप के डेटा एनालिटिक्स है, तो मैंने बोला 7 टाइप्स के, 2+2+3। पहला दो है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब होता है, दो कीवर्ड है, न्यूमेरिकल डेटा, क्वांटिफाइबल वेरिएबल वेयर यू यूज द स्टैटिस्टिकल मींस। दूसरा है क्वालिटेटिव, नॉन न्यूमेरिकल डेटा, नॉन क्वांटिफाइबल डेटा लाइक कलर, फीलिंग्स, हैप्पीनेस, वो सब। जो बाकी दो हैं कंफर्मेटरी एंड एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी मैंने बोला था इट इज अ कीन, या इट इज लाइक द वर्क ऑफ अ डिटेक्टिव जेम्स बॉन्ड, यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन डेटा सेट्स। मेरा सेल बढ़ा तो क्यों बढ़ा, या एक्सप्लोर कर रहे हैं। और जैसे कन्फर्मेटरी, यू हैव ऑलरेडी डेवलप्ड अ हाइपोथेसिस, यू हैव अ आइडिया, यू वॉन्ट टू कन्फर्म, आपको लग रहा है कि ये चोर है, अब आप जज भाई ये कंफर्म करेंगे whether ये पर्सन सच में चोर है कि नहीं है। एंड देन तीन एडवांस में थे डेटा माइनिंग, प्रेडिक्टिव एनालिसिस एंड टेक्स्ट माइनिंग, एंड मशीन लर्निंग भी था। ये आपको चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया जा चुका है। फिर मैंने बोला था कि सर पार्टिसिपेंट तीन होते हैं, डेटा साइंटिस्ट डेवलप डेटा एनालिटिक्स मॉडल यूजिंग द लैंग्वेज लाइक पाइथन एंड SQL, जिसको यूज करते हैं डेटा साइंस डेटा इंजीनियर्स, और एनालाइज करते हैं डेटा एनालिस्ट। फिर एक आया बिजनेस इंटेलिजेंस, जो मैंने बोला था डेटा एनालिटिक्स का ही एक टूल है। अब यहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था उबर का सर्च प्राइसिंग, मैंने कोक का भी एग्जांपल दिया था, मैंने टेस्ला का भी एग्जांपल अगर नहीं दिया था तो कोई बात नहीं, ये भी एक एग्जांपल है। ये सब कोई यूज करता है बाबू, सैकड़ों सैकड़ों करोड़ के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। वाई? टू प्रोवाइड, सुनिएगा, एक तो ये टेक्निकल इनेबल प्रोसेस है, दूसरा इट प्रोवाइड एक्शनेबल इंफॉर्मेशन, ऐसा इंफॉर्मेशन बेसिस ऑफ विच यू कैन टेक एक्शन एंड यू कैन टेक इन्फॉर्म डिसीजन। जब उबर बोलता है कि भी अभी डिमांड बहुत ज्यादा है पीक आवर में, तो वो एक एक्शनेबल इंफॉर्मेशन है, प्राइस बढ़ा दीजिए,
ठीक है, तो यू का बिजनेस इंटेलिजेंस क्या क्या वर्ड है, एक्शनेबल इंफॉर्मेशन, टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अब इसके कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ रीजंस हैं। अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो मैंने बोला था ये आपके डिसीजन मेकिंग को एक्सेलरेट कर देता है, आपके ऑपरेशन एफिशिएंसी को इंप्रूव कर देता है, कस्टमर रिलेशनशिप भी इंप्रूव करता है एंड मार्केट ट्रेंड वगैरह को पता करता है। और अगर मैं बात करूं इसके रीजंस की, तो रीजन तो भैया कि डेटा रियल टाइम पे अवेलेबल हो। मैंने शॉर्टकट दिया था पतंजलि मेडिकल कॉलेज ऑफ फुलवारी शरीफ, तो ये आपका पोजीशन ऑफ फॉर्म विद अ विज कॉम्पिटिटर्स, एम से मार्केट कंडीशन, जो भी कस्टमर बिहेवियर में चेंज हो रहा है, एफ से व्हाट अदर फॉर्म्स आर डूइंग, एंड एस से सोशल रेगुलेटरी एंड पॉलिटिकल कंडीशंस। क्या इतना कंट्रोल में है? अगर कंट्रोल में है तो बताइए, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी बच्चे रिवीजन के साथ टाइप करते हैं ना, आप समझिए आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर डाल रहे हैं। दिमाग ना जितना प्रेशर डालेंगे, मतलब ये नहीं कि बहुत प्रेशर, अननेसेसरी प्रेशर नहीं, बट हल्का प्रेशर होना चाहिए, अननेसेसरी नहीं, हल्का प्रेशर होना चाहिए, दिमाग बेटर काम करता है। बहुत बढ़िया, मैंने सुनी रोहित, काव्या, शिंदे, श्रीजा, यश, स्टार्ट करते हैं आज का दिन। आज बाबू एक हम जबरदस्त चीज पढ़ेंगे, वैसे तो हमें तीन चीज पढ़ना है, उसमें एक जबरदस्त चीज होगा, बड़ा मजा आएगा, बट सुनिए पहले। आप सब कोई सीए हैं, आप कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब आप आर्टिकलशिप में जाएंगे, जब आप सीए बनेंगे, या जो सबसे मेजर आपका सब्जेक्ट है, जो एकदम कोर सब कोई पढ़ता है, वो अकाउंट्स है, क्योंकि अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होता तो अकाउंटेंट ही है। वो अकाउंटेंट भाई लोग क्या करते हैं? वो एक कंपनी की जो एक्टिविटीज है उसको रिपोर्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं, अकाउंट्स का फाइनल में आप जाएंगे, जैसे अभी आप बोलते हो अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स, फाइनल में अकाउंट्स को अकाउंट्स नहीं बोलते हैं, इंस्टीट्यूट बोलता है अकाउंट्स, बट मजा नहीं आ रहा है, हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर मैं आपको बताऊं, मेरे भैया जो है बीएमडब्ल्यू में, ही इज हेड ऑफ इंडिया बीएमडब्ल्यू इंडिया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो बीएमडब्ल्यू में डिपार्टमेंट है उसके मेरे भैया हेड ऑफ इंडिया है, तो एक अलग से डिपार्टमेंट है। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट बोलने में ना वो मजा नहीं आता है, तो हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो हमें पढ़ना है बिजनेस रिपोर्टिंग या एंटरप्राइज रिपोर्टिंग, मतलब एक जो कंपनी है वो अपनी एक्टिविटीज को, अपनी परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करती है। माइंड यू रिपोर्टिंग दो टाइप की होती है, तो आप बड़ा सोचिए, एक तो रिपोर्टिंग होती है बैलेंस शीट पीएनएल, जैसे आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज में सेबी को, आपने लॉ में पढ़ा होगा, सेबी को रिपोर्टिंग जाती है, गवर्नमेंट को एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अगेन लॉ का कॉन्सेप्ट, उनको भी रिपोर्टिंग जाती है, जो एनुअल रिपोर्ट बनता है आपने नहीं पढ़ा होगा, सेक्शन 129, 134 वो सब कंपनी लॉ में। दूसरा, कंपनी इंटरनल रिपोर्ट भी बनाती है। माइंड यू अगर मैं बात करूं टीसीएस की, बहुत बड़ी कंपनी टीसीएस में, आपको पता है टीसीएस में कितने एम्प्लॉई हैं? 5 लाख से ज्यादा, जस्ट इमेजिन दिस, 5 लाख से ज्यादा एक कंपनी में, उतनी बड़ी कंपनी को मैनेज करने के लिए इंटरनल रिपोर्टिंग भी करनी होती है। तो व्हेन आई से बिजनेस रिपोर्टिंग, इसके दो मतलब हैं, एक तो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, पब्लिक रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा बाय बिजनेस एंटरप्राइज, किसको कर सकते हो? अगर आप बैंक है तो आरबीआई को करेंगे, अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो सभी को करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, इसको तो ऑल कंपनीज करेगा, इनकम टैक्स वगैरह को भी करना पड़ता है, जीएसटी को भी, जो रिटर्न फाइल करते हैं बेसिकली रिटर्न्स। तो ये हो गया एक्सटर्नल। दूसरा बाबू इंटरनल भी होता है, ताकि जो मैनेजमेंट है वो बेटर डिसीजन ले सके। तो रेगुलर प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट देम इन देयर वर्क। होता क्या है, जब हम बात करते हैं ना बिजनेस रिपोर्टिंग की, तो सबकॉन्शियस माइंड में हमें लगता है कि हम केवल एक्सटर्नल है। ये फैक्ट है, बिजनेस रिपोर्टिंग ज्यादातर जो वेटेज है वो एक्सटर्नल के लिए, बट इंटरनल पे भी होता है। तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों। कैसे होता है आपको याद है?
चैप्टर नंबर 3 डेटा वेयरहाउस, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कैसे था, अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे मानिए परचेज, सेल, एचआर, इन सबको हमने डेटा लिया, एक्सट्रैक्ट किया, उसको स्टैंडर्डाइज किया, ट्रांसफॉर्म, फिर हम इसे डेटा के वेयरहाउस में लोड करते हैं। यानी ETL, मैंने प्रॉपर कॉन्सेप्ट कराया था चैप्टर नंबर 3 में ETL, और इस डेटा वेयरहाउस से फिर हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। इट इन्वॉल्व्स ETL, पूरा फुल फॉर्म लिखना एग्जाम में, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड विद डेटा वेयरहाउस एंड वन और मोर रिपोर्टिंग टूल्स। अब रिपोर्टिंग टूल आपका एक्सेल भी हो सकता है। इट इन्वॉल्व्स ETL विद डेटा वेयरहाउस एंड वन और मोर रिपोर्टिंग टूल्स। मुद्दा है कि सर आप क्या रिपोर्ट करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है, एक काम करें, एक सेकेंड, ये डेटा ना एक्चुअली डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। जो प्रॉपर बैचेस होते हैं वहां पे हम लोग एक प्रॉपर आपको एनुअल रिपोर्ट दिखाते हैं। अगर आप कभी एनुअल रिपोर्ट देखे होंगे, आई एम श्योर आपने लॉ में देखा होगा, क्या एनुअल रिपोर्ट में केवल बैलेंस शीट, PNL और कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, या उसके अलावा भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं? तो सर बहुत सारे, आज की डेट में लेट मी टेल यू, कंपनीज को बहुत सारे इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। देखिए, ये है कंपनी, कंपनी अपने आप से तो पैसा मिलता नहीं है, कंपनी को, कंपनी में पैसे डालते हैं उसके इन्वेस्टर्स, कंपनी को सर्वाइवल के लिए अलाउ करता है सोसाइटी, कंपनी को एनवायरमेंट फॉर बिजनेस। अब सोचिए, अफगानिस्तान में कोई कंपनी अभी बिजनेस करेगा अच्छे से? नहीं, बट इंडिया में यस। तो ये कौन, ये गवर्नमेंट करता है, इनको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स क्या बोलते हैं कि भैया कंपनी, आप केवल फाइनेंस डेटा तो आप दोगे, उसमें तो कोई शक है ही नहीं, इसके अलावा भी आप बताइए आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, हम क्यों आपको सपोर्ट करें? क्योंकि कंपनी बाबू, कंपनी तभी चल पाती है जब पब्लिक का सपोर्ट हो, जब सोसाइटी का सपोर्ट हो, गवर्नमेंट का सपोर्ट हो। तो आपको अपना विजन मिशन बताना पड़ता है, आपको अपने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव बताने पड़ते हैं, आपको बताना पड़ता है जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कितनी सैलरी आप दे रहे हैं अपने CEO को, ये कंपनी को बताना पड़ता है। मुकेश अंबानी को 15 करोड़ रुपए मिलते हैं, पिछले कई साल से मिल रहे हैं, ये रिलायंस चाहे या ना चाहे उसको बताना पड़ेगा। तो क्या रिपोर्ट करते हैं, विजन मिशन ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी, ये हम लोग चैप्टर नंबर 3 ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ते हैं डिटेल में, विजन मिशन। एक दूसरा गवर्नेंस, अरेंजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये चैप्टर 1 EIS में हम पढ़ चुके हैं, बोर्ड मीटिंग वगैरह होना, या गवर्नेंस कि कंपनी का जो रिश्ता है सोसाइटी के साथ वो फेयर, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी पे बेस्ड होना चाहिए। कितने बच्चों को याद आ रहा है वो फैट वाला एग्जांपल, जहां पे हमने आपको बोला था कोरम, जनरल मीटिंग, ये सब कंपनी को गवर्न करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर 1 में पढ़ा था। ये फाइनेंशियल सेक्शन 29 ऑफ कंपनी एक्ट आपने लॉ में पढ़ा है, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सोसाइटी एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, बाबू यार गुड, CSR रिपोर्ट सेक्शन 135, ये सब। एंड आपको ये भी बताना पड़ता है कि कई बार क्या होता है, जैसे मानिए आपने कुछ लंबा प्लान किया है और कोविड आ गया, आपने सोचा है हम खूब पैसा कमाएंगे, कोविड आ गया, आपको अपना स्ट्रैटेजी बदलना पड़ेगा ज्यादा पैसे कमाने के बदले सर्वाइव करने के लिए। तो कई बार क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी होती है उनके बीच में ट्रेड ऑफ का मतलब होता है लेन देन। तो अगर कोई ऐसा ट्रेड ऑफ है वो आप बताइए। जैसे कोविड के टाइम पे आप जितने भी एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं ना, मेजॉरिटी एनुअल रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि दिस हैड बीन अ टफ ईयर टू सर्वाइव, द कंपनी हैड टू टेक दिस स्टेप्स। तो वो सब बातें, तो 4 बातें एग्जाम में आप लिखेंगे, विजन मिशन ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी, दूसरा जो कंपनी का गवर्नेंस अरेंजमेंट एंड जो रिस्क मैनेजमेंट है वो सब स्ट्रेटजीज, तीसरा
फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेट एंड सोसाइटी वाला जो सीएसआर रिपोर्ट, एंड चौथा ट्रेड ऑफ बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। मुद्दा है कि ये सब चीजें आप रिपोर्ट किस तरह से करेंगे। तो एक तो सिंपल सा है जो नॉर्मली होता है, ट्रेडिशनल एनुअल रिपोर्ट, ये सब सारा फाइनेंस का डेटा एंड रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, मैं बोल सकता हूं बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स एटसेट्रा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है एक शॉर्टकट, ईएसजी, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस रिपोर्टिंग। लेट मी टेल यू, आपको बताना पड़ता है कि आप सीएसआर के लिए क्या कर रहे हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको बताना पड़ता है कि आप एनवायरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, ये सब आपको बताना पड़ता है कि आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे आप ऑपरेट कर रहे हैं, ये सब। और आज की डेट में ना वैसे दो ही टाइप है, कंपनी क्या करती है, मर्ज करके इंटीग्रेटेड रिपोर्ट करती है। अगर आपके पास टाइम हो आप रिलायंस का एनुअल रिपोर्ट निकालिएगा, आप वहां पे पाइएगा, वहां पे लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट। क्योंकि जो रिलायंस अपना बनाता है, जो भी बड़ी कंपनीज बनाती है, वो इकट्ठे बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, इंटीग्रेट नहीं इंटीग्रेटेड। तो वैसे तो दो टाइप है, उसी को मर्ज करके तीसरा टाइप आ गया, फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, अगर बैलेंस शीट पीएनएल, दूसरा एनवायरमेंटल सोशल वाला, एंड दोनों को मर्ज कर देंगे इंटीग्रेटेड। ये कंट्रोल में है, अब मुद्दा है कि सर व्हाई इज बिजनेस रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं, अगर आपने कभी स्टडी मैट पढ़ा होगा, इतना बड़ा बड़ा पैरा में लिखा हुआ है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, उस पैरा में से हमने बड़े शातिर तरीके से 5 पॉइंट एकदम तमीज वाले हमने विड्रॉ किए, एक्सट्रैक्ट किए। मैंने बोला ना समराइज विदाउट कॉम्प्रोमाइज। सुनिए कैसे होता है, कैसे याद करना है। देखिए मैंने आपको बताया कि कंपनी ऑपरेट करती है स्टेक होल्डर के सपोर्ट से। स्टेक होल्डर सब कोई हो सकता है, मेरा इन्वेस्टर्स, मेरा गवर्नमेंट, मेरे सप्लायर्स, सोसाइटी एट लार्ज। तो अगर आप बिजनेस रिपोर्टिंग अच्छे से करेंगे, ये कंपनी को एक मौका देता है ना अपने आप को समझाने का कि भैया स्टेक होल्डर्स यू सपोर्टेड अस, देखो आपके पैसे का मैंने कितना बढ़िया यूज किया। आप कभी भी अगर आप कोई एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, आई विल सजेस्ट आप पढ़िए, वहां पर हमेशा लिखा होता है इट इज योर मनी, यू आर डूइंग दिस, मतलब डायरेक्टर्स सारा इज्जत किसको दे रहे हैं, मेंबर्स को। तो कंपनी को एक तरह से मौका मिलता है एक्सप्लेन बिजनेस एंड परफॉर्मेंस कि भी हम आपके सपोर्ट का कैसा यूज कर रहे हैं। दूसरा, आजकल जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी पुराने वाले नहीं रहे कि पैसा डाल दिया और चुप हो गए। इवन दे आर डिमांडिंग कि भैया कंपनी आप बताओ मेरे पैसे का यूज कैसा हो रहा है, क्या आप केवल पैसा के पीछे भाग रहे हो या आप सोसाइटी के लिए भी कुछ कर रहे हैं। सी एवरीबडी वॉन्ट्स, अगर आपको ऑप्शन मिले 100 रुपए इन्वेस्ट करने का, आपको आप किस में इन्वेस्ट करोगे, टाटा में या रिलायंस में? अज्यूमिंग कि दोनों का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट सेम है, अगर आपको मौका मिले तो आप टाटा में करेंगे या रिलायंस में? अज्यूमिंग कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट सेम है, सेम डिविडेंड मिलेगा, सेम बाबू नॉर्मली लोग टाटा प्रेफर करते हैं। मैंने क्या बोला, आप ये ज़ूम कीजिए ना कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट सेम है, सेम ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, पैसा इकट्ठा आपने 100 रुपये बढ़ाया, दोनों का एक साल के बाद 120 हो जाएगा। जनरली लोग कोशिश करेंगे टाटा में, क्योंकि टाटा का माना जाता है वो सोसाइटी के लिए ज़्यादा काम करता है। तो आजकल जो स्टेक होल्डर्स हैं दे आर डिमांडिंग ग्रेटर इंसाइट इंटू ESG, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, कंपनी कैसे काम कर रही है। एंड फाइनली दिस ऑल्सो हेल्प्स द स्टेक होल्डर्स टू असेस द परफॉर्मेंस।
एंड टेक डिसीजंस। तो तीन पॉइंट याद हो गया, क्यों बिजनेस रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट है, इट अलाउज द कंपनी टू एक्सप्लेन द बिजनेस एंड परफॉर्मेंस टू द स्टेक होल्डर्स, जिसके दम पे वो असेस करते परफॉर्मेंस एंड टेक इन्फॉर्म डिसीजन कि अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करें या निकाल दें पैसा। और तीसरा, दे आर डिमांडिंग कि भैया पैसा तो अलग चीज है, आप ये भी बताओ कि भैया ESG में आप कैसे काम कर रहे हो। तीन पॉइंट प्लस, अगर 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 आपने खूब हाई क्वालिटी रिपोर्टिंग की एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए, वो इंटरनल में भी तो काम देगा। सपोज मैंने आपको पढ़ाने के लिए खूब रिसर्च किया, तो उसका फायदा मुझे केवल आपको पढ़ाने समय होगा या जब मैं अपने दोस्त यार के साथ बैठता हूं? तो आपको लगता नहीं है कि जब मैं अपने दोस्त यार के साथ बैठता हूंगा तो अगर हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं किसी फाइनेंशियल मैटर पे, तो ज्यादा एग्जाम्पल किसके पास होगा, मेरे दोस्तों के पास या मेरे पास? क्योंकि मैंने तैयारी तो आपको पढ़ाने के लिए की है एक्सटर्नल, पर उसका वो इंटरनल फायदा भी तो है। देखिए, अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू प्रेजेंट अ कोहेसिव एक्सप्लेनेशन, कोहेसिव मतलब एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर बिजनेस एंड हेल्प देम एंगेज विद इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल मतलब शेयर होल्डर्स, एक्सटर्नल मतलब गवर्नमेंट सोसाइटी। दूसरा, क्रूशियल फॉर स्टेक होल्डर्स टू असेस द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, कि जो स्टेक होल्डर्स है वो आपको असेस करेंगे एंड इन्फॉर्म डिसीजन करेंगे। तीसरा, आजकल जो वेरियस स्टेक होल्डर ग्रुप्स है, दे आर डिमांडिंग इंक्रीज्ड ESG इन्फॉर्मेशन एज वेल एज ग्रेटर इंसाइट इन टू हाउ दिस फैक्टर्स अफेक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड वैल्यूएशन। तो ये तीन तो हो गया बाबू स्टेक होल्डर के थ्रू। अगला दो है अपने लिए, हाई क्वालिटी रिपोर्ट ऑल्सो प्रमोट बेटर इंटरनल डिसीजन मेकिंग। अगर मैं दूसरे के लिए अच्छा रिपोर्ट बनाऊंगा तो मेरा खुद का भी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगा। एंड जितने भी फ्रॉड होते हैं, वो हर्षद मेहता का हो, केतन पारेख का हो, सत्यम का हो, नीरव मोदी का हो, सब में बैलेंस शीट और पीनल का फ्रॉड होता है कि नहीं? अगर बिजनेस रिपोर्टिंग अच्छा है तो आपका फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रांग रहेगा। हाई क्वालिटी बिजनेस रिपोर्टिंग इज एट द हार्ट ऑफ स्ट्रांग एंड सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल मार्केट एंड इकोनॉमी। मैं आपको बताऊं, जब हर्षद मेहता का स्कैम आया था, हजारों करोड़ का लॉस हुआ था 1990s में, अभी पैसे का वैल्यू ना बहुत कम है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सीधे लाख करोड़। आज से 30 साल पहले लाख करोड़ किसी ने सोचा ना था। टाटा का वैल्यू बाबू 10-20 हजार करोड़ था, जो अभी 15 लाख है। पता नहीं टाटा का अभी टोटल है 70 का 21, करीब 24 लाख करोड़ है। आज से 30 साल पहले तक 1000 करोड़ में था, उस समय 1000 करोड़ का लॉस हुआ था। तो हाई क्वालिटी बिजनेस रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एट द हार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल मार्केट एंड इकोनॉमीज। कोई भी मतलब बाबू बेटर तरीके से डिटेल्ड, तो हम कैसे याद करेंगे? 3+2 कर लीजिएगा। ये है हमारा आज का हीरो, बाबू एकदम इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान है, नहीं आया ना तो हमेशा के लिए दिक्कत होगा। और ये ऐसा वर्ड है XBRL जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप आर्टिकलशिप में जाएंगे ना, आपको जाते ही आपको दिख जाएगा। सर क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन, एकदम ध्यान दीजिएगा फुल अटेंशन के साथ। मुझे अच्छा, जिनको ये एग्जांपल पहले जिन्होंने सुना हुआ है, जो मुझसे पहले पढ़े हुए हैं, वो थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे अपने आप को। मुझे घिउड़ा बहुत पसंद है। क्या पसंद है? घिउड़ा। मानिए मैं ट्रेडिंग करता हूं घिउड़ा में, घिउड़ा एक सब्जी होती है, तो मैंने फोन लगाया अपने होलसेलर को या सप्लायर को, मैंने बोला भाई मुझे घिउड़ा दो। घिउड़ा क्या होता है? एक सब्जी। वो भाई कह रहा है सप्लायर कि नहीं सर घिउड़ा नहीं है, मेरे पास तुरई है या तुरई। मैंने बोला ना 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 ना, मुझे तो घिउड़ा चाहिए। मैंने फोन लगाया सप्लायर नंबर 2 को, मैंने बोला भाई घिउड़ा है घिउड़ा, मुझे 1000 किलो चाहिए। सप्लायर 2 कह रहा है ना ना सर घिउड़ा नहीं है, हमारे पास नेनुआ है। आई एम श्योर
आप में सब ने कोई ना कोई नाम सुना होगा, कोई ऐसा बच्चा है जिसने तीनों सुना हुआ है पहले से? हाँ जी, अब सुनिए, रियलिटी में ये तीनों सेम होता है, रियलिटी में ये तीनों सेम होता है। प्रॉब्लम क्या है, इंडिया एक बड़ा कंट्री है, यहां पर एक ही चीज को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे चिवड़ा एंड पोहा दोनों सेम चीज होता है, लाई और मूढ़ी सेम चीज होता है, गुजिया पिड़िकिया सेम चीज होता है। अब जस्ट इमेजिन दिस, अगर इंडिया में इतने वेरिएशन है, अगर आप पूरी दुनिया को ले आएंगे तो कितना वेरिएशन होगा। तो लॉ मेकर्स ने क्या किया, इंटरनेशनली इसको नंबर्स में कोडिंग कर दी। क्या कर दी, नंबर्स में कोडिंग, और प्यार से इसको हमने बोला हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, HSN। आई एम श्योर अपने GST में पढ़ा होगा ये क्या है, ये नंबर होता है सर, 6 digit 8 digit, एज ए केस में भी वैसे 8 digit होता है। अब जब मुझे घिउड़ा पता करना है तो मैं घिउड़ा नहीं बोलूंगा, मैं नंबर बोलूंगा, और वर्ल्ड वाइड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही होता है। अब ये एक कॉन्सेप्ट है, या वो कॉन्सेप्ट समझ में आया बाबू, इंटैक्ट करते रहिएगा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जहां पर एक ही चीज को अलग अलग लोग अलग अलग वैरायटी से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको क्या करना है, उसका एक कॉमन बना देना है। क्या बना देना है, कॉमन। अब इसको आइए हम दूसरे तरीके से देखते हैं, जस्ट इमेजिन दिस। मानिए कंपनीज है, इंडिया में लाखों कंपनीज हैं और वर्ल्ड वाइड भी लाखों कंपनीज हैं। सपोज कंपनी वन है, कंपनी टू है और कंपनी थ्री है। एक बार बताइए, आप लोग सब कोई FM भी पढ़ रहे होगे, आप लोग आपने नाम सुना है moneycontrol.com का, moneycontrol.com, moneycontrol। सुना होगा, अच्छा एक वेबसाइट है। अच्छा ये बताइए, क्या ऐसी वेबसाइट है जो कंपैरिजन करती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑफ कंपनीज? क्या वर्ल्ड वाइड ऐसे कुछ लोग हैं जिनका काम ही है अलग अलग कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, रेशियोस को कंपेयर करना? आंसर इज यस, मनी कंट्रोल उसका एक एग्जांपल है। ये जितने भी स्टॉक मार्केट वाले जो एडवाइजर्स होते हैं, स्टॉक मार्केट एडवाइजर्स, वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंपनी का कंपैरिजन करते हैं। आइए मैं आपको कुछ बताता हूं। सपोज एक कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट और पीएनएल बनाई, बैलेंस शीट पीएनएल में कई सारे आइटम्स होते हैं। आप सबको बाबू बैलेंस शीट पीएनएल आपने बनाया है। फॉर एग्जांपल मानिए आपको रिपोर्टिंग करनी है अपने क्रेडिटर्स की। मैं क्रेडिटर्स को क्या संडी क्रेडिटर्स बोल सकता हूं? यस, कई कंपनी अपने क्रेडिटर्स को संडी क्रेडिटर्स बोलते हैं, कई कंपनी अपने सिंडिकेटर्स को अकाउंट्स पेबल भी बोल सकते हैं, और कई कंपनी अकाउंट्स पेबल को अदर क्रेडिटर्स ही बोल सकते हैं। अब ये जो तीनों चीजें हैं, मैं इसको प्यार से बोलूंगा टेक्निकल टर्म में लाइन आइटम। जो बैलेंस शीट पेनल होता है वो लाइन में सारा इंफॉर्मेशन होता है, या सिंपल फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल। बिल्कुल, एक बच्चा बोल रहा है ट्रेड पेबल, वो भी हो सकता है, अगर कंपनी फोर होगी वो ट्रेड पेबल। तो आप यही प्रूफ कर रहे हो कि अलग अलग कंपनीज एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बोल देती हैं। अब देखिए, मैंने बताया कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका काम क्या है, इन सारे कंपनीज का डेटा एक्यूमुलेट करके उनका कंपेरिजन देना। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट रेटिंग कंपनीज, आपने नाम सुना होगा एक ऐसी कंपनी, जैसे अगर मैं आपको नाम दूं, वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा है S&P, मूडीज, फिच रेटिंग, दीज आर वेरी वेरी बिग कंपनीज जो पूरे गवर्नमेंट को रेटिंग देती है। इंडिया को बाबू रेटिंग दिया जाता है, इंडिविजुअल कंपनीज को रेटिंग दिया जाता है। इंडिया में इकरा,
क्रिसल, दीज आर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये क्या करती हैं, ये कंपनी को कंपेयर करके ना उनको रेटिंग देती हैं। अच्छा, तो ये आया मेरा क्रेडिट रेटिंग कंपनी। इनका काम क्या है, कंपेयर ऑल थ्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये देखिए, ये अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगा, ये अपना देगा और ये अपना देगा, और क्रेडिट रेटिंग कंपनी क्या करेगी, उनको कंपेयर करेगी। ये कंपेयर मैनुअली होगा या सॉफ्टवेयर से होगा, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप तो इंसान हो, आपको पता है कि सन्डी क्रिएटर, अकाउंट्स पीपल और अदर क्रिएटर सेम है, आप लोग कंपेयर कर सकते हो, क्या सॉफ्टवेयर को ये बात पता है? नहीं। अब यहां पे ना प्रॉब्लम आ गया, क्यों, क्योंकि तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है विथ थ्री डिफरेंट लाइन आइटम। लाइन आइटम को हम प्यार से क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल डेटा, और आज के बाद से एक और नया वर्ड आएगा, एलिमेंट्स। अब इसमें कंपैरिजन करना बाबू पॉसिबल नहीं है, रीजन बीइंग कंप्यूटर इस बात को नहीं समझ पाएगा कि बाबू ये तीनों चीज सेम है। अब ये तो प्रॉब्लम हुआ तीन कंपनी में, इमेजिन कीजिए लाखों कंपनी। तो एक जरूरत महसूस हुई कि क्यों ना हम इन सारे जो सिमिलर डेटा है उसके लिए एक स्टैंडर्ड डेवलप कर दे। जैसे हमने घ्यूड़ा तोरी और रेनुआ के लिए एक नंबर डेवलप कर दिया था, क्यों ना हम इन सबको जितने भी क्रिएटर्स है उनके लिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन डाल दें। तो कैसे हुआ, एक अलग से डिक्शनरी बनाई गई, बाबू सुनिएगा बस कहानी, एक अलग से डिक्शनरी बनाई गई, एक अलग से लैंग्वेज बनाया गया जिसका नाम रखा गया XBRL, एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। एक ऐसा लैंग्वेज जो बिजनेस रिपोर्टिंग में मदद करेगा, वर्ल्ड वाइड है, स्टैंडर्ड है, ओपन है, कोई भी यूज कर सकता है, एंड नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग मैनेज होता है। अब क्या होगा, जो अभी होता है वही कंपनी वन, वही कंपनी टू और वही कंपनी थ्री। फाइनेंशियल डेटा उन्होंने क्या डाला, पहले वाले ने बोला था संडी क्रिएटर्स, दूसरे वाले ने क्या बोला, अकाउंट्स पेबल, तीसरे वाले ने बोला अदर क्रिएटर्स, एक ने बोला ट्रेड पेबल। अब क्या होगा कि भैया आपको जैसा बैलेंस शीट बनाना है, पीनल बनाना है, बनाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है। बट जब आप इसको रिपोर्टिंग करने जाएंगे ना, रिपोर्टिंग, तीनों आदमी अपना जो भी, मानो ये 100 रुपया कह रहा है, ये 150 कह रहा है, 125 कह रहा है, आप लोग इसको रिपोर्ट करेंगे एज अ क्रेडिटर। ये सुनेगा ध्यान से बाबू, बढ़िया बढ़िया वर्ड आने वाला है, मिस मत कीजिएगा। फाइनेंशियल डेटा आपको जैसे मन वैसे प्रिपेयर कीजिए, हम उसको लिंक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लिंक, या इसको एक और अच्छा वर्ड आएगा, टैग कर रहे हैं। किससे, एक नया डिक्शनरी बनाया गया, उस डिक्शनरी में जो अलग अलग फाइनेंशियल डेटा है उसके लिए एक ऐसा नाम दिया गया जो उनको बेस्ट रिप्रेजेंट करता है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा प्यार से, एलिमेंट या डेफिनेशन इन डिक्शनरी। एक नया डिक्शनरी बना, डिक्शनरी का भी वो एक नया वर्ड आएगा, टैक्सोनॉमी, दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल डेटा। बताइए, संडी क्रिएटर को भी क्रिएटर रिप्रेजेंट करता है, अकाउंट्स पेबल को भी क्रिएटर्स रिप्रेजेंट करता है, और अदर क्रिएटर्स को भी क्रिएटर्स रिप्रेजेंट करता है। अब तो ये जो हम कर रहे हैं ये XBRL फॉर्मेट में करते हैं। मतलब जब आप आर्टिकलशिप करने जाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि पहले बैलेंस शीट बन गई, पीनल बन गया, बट जब उसको रिपोर्टिंग करना है ना, तो आप अपना पर्सनल जो बैलेंस शीट पीनल बनाया है एक्सेल में या पीडीएफ में, जैसे भी वर्ड में, वो आप नहीं देते हैं, आप उन सारे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं XBRL में। XBRL क्या है,
एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड है, ओपन कोई भी यूज कर सकता है एंड स्टैंडर्ड लैंग्वेज है. क्यों? फॉर बिजनेस रिपोर्टिंग, फॉर बिजनेस और रिपोर्टिंग. अब ये जाएगा क्रेडिट रेटिंग कंपनी के पास. अब सुधिक जाएगा कि मुझे कंपेयर क्या करना है 100, 150 और 125 को. एंड माइंड यू ये मशीन रीडेबल होता है. क्या होता है? मशीन रीडेबल. क्योंकि एक वर्ड मैं बताता हूं, ये ना XML बेस्ड है. XML क्या होता है? एक ऐसा लैंग्वेज जो कंप्यूटर पढ़ सके, एक ऐसा लैंग्वेज जो कंप्यूटर पढ़ सके. तो आप क्या करोगे, अपना बैलेंस शीट पीएनएल बना लीजिए, फिर वो डेटा को XBRL जो कि XML बेस्ड होता है, मशीन रीडेबल लैंग्वेज, उसमें अपलोड मारिए. आपने भले सन्नी क्रिएटर लिखा है बट आप भी क्रिएटर यूज करेंगे. किसी ने अकाउंट्स पेबल वो भी क्रिएटर, किसी ने अदर क्रिएटर वो भी क्रिएटेड वर्ड यूज करेगा. और तब क्रिएट कंपनी उसको आराम से क्या करेगी, आइडेंटिफाई कर सकती हैं, क्लासिफाई कर सकती हैं, कंपेयर कर सकती हैं. सिंपल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन कर सकती हैं. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? मैं बोल सकता हूं XBRL इट इज अ कॉमन लैंग्वेज. लिखा नो स्टैंडर्ड मतलब कॉमन लैंग्वेज. कि भैया अपने अपने घर पे आपको जैसे मन करे वैसे कीजिए, बट जब रिपोर्टिंग कीजिए तो कॉमन लैंग्वेज में कीजिए. अगर ये एग्जांपल पसंद में आया होगा बाबू लाइक कर दीजिएगा. नहीं नहीं, पहली बार जब मैंने करा था ना बाबू, मुझे भी लगा कि यार ये तो मस्त कॉन्सेप्ट है. जबकि हमने आर्टिकलशिप में XBRL पे काम हल्का फुल्का किया हुआ है. आइए देखते हैं. अब जो एग्जांपल था बाबू, क्लास ओवर होगा, आप वेट करेंगे, जब ये प्रोसेसिंग के बाद ये लेक्चर दोबारा आएगी, आप ये डायग्राम बनाएंगे. ये था बिफोर XBRL. कंपैरिजन नॉट पॉसिबल क्योंकि सॉफ्टवेयर से होता नहीं था. ये है XBRL का. तो अब ये डायग्राम आकर बनाएंगे. आइए यहां पढ़ते हैं. सब कुछ लिंक हो जाएगा, सब कुछ. इट इज ओपन, यानी ये जो लैंग्वेज है ये सब कुछ यूज कर सकता है. और याद देखिएगा ये एक्स है बट यहां पे ई एड होगा. इंटरनेशनल. क्यों इंटरनेशनल बाबू? 50,000 कंट्री यूज होता है. इंडिया में भी होता है, इंडिया भी इसे एक्सेप्ट करता है. आप जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को अपना बैलेंस शीट पीएनएल देते हैं इसी फॉर्मेट में देते हैं. सो इंडिया में एक्सेप्ट होता है. आपने लॉ में इसका नाम सुना होगा. अच्छा, आपने लॉ में नाम सुना कि नहीं इसका, XBRL का? लॉ में नाम सुना है कि नहीं सुना है? चलिए, ओपन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मतलब कॉमन. 50+ कंट्रीज में चलता है तो कॉमन लैंग्वेज है. फॉर डिजिटल बिजनेस रिपोर्टिंग एंड एक्सचेंजिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन, ऑफन टर्म्ड एज बार कोड फॉर रिपोर्टिंग. क्योंकि बार कोड भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है. कोई भी सामान हो आप बार कोड की तरह डाल सकते हैं या QR कोड आप इसमें डाल दीजिए. इट इज मैनेज बाई ग्लोबल नॉट फॉर प्रॉफिट. नॉट फॉर प्रॉफिट बाबू, ये जो कंपनी जो इसको मैनेज करती हैं, XBRL इंटरनेशनल इंक है. इंक मतलब इनकॉर्पोरेटेड. जैसे इंडिया में लिमिटेड वर्ड यूज होता है, US में यूज होता है इंक, इनकॉर्पोरेटेड. वो लोग मैनेज करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट. इट सिंप्लीफाइज द वे पीपल कैन प्रिपेयर शेयर यूज एंड एनालाइज बिजनेस डेटा अक्रॉस द वर्ल्ड इन मोर देन 50 कंट्रीज. ये भी बहुत पुराने डेटा है, आज डेट में ये और बढ़ गया. इंडिया भी उनमें से एक है. ये देखिए ये वर्ड XBRL टैगिंग, वो अच्छा वर्ड है. इट इज अ प्रोसेस बाई विच, इज अ प्रोसेस बाई विच फाइनेंशियल डेटा इज टैग्ड. फाइनेंशियल डेटा मतलब हमारे केस में क्या क्या था, सन्डी क्रेडिटर्स, अकाउंट्स पेबल एंड एक और क्या था, अदर क्रेडिटर्स. तो ये जो फाइनेंशियल डेटा था इसको हम लिंक कर रहे हैं विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट एलिमेंट. हमने क्रेडिटर से लिंक कर दिया था इन द टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी क्या होता है, डिक्शनरी ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स.
ये एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी होता है. कैसा डिक्शनरी? स्टैंडर्ड. देखिए ना, हमने जो फाइनेंशियल डेटा है, मैं कलर चेंज कर देता हूं, उसको लिंक कर दिया उस डिक्शनरी टैक्सोनॉमी के बेस्ट सूटेड डेफिनेशन के साथ. फाइनेंशियल डेटा विद मोस्ट एप्रोप्रिएट एलिमेंट एंड डेफिनेशन टैक्सोनॉमी दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द डेटा. सारे एक्सपायर रिपोर्ट सेम टैक्सोनॉमी यूज करते हैं. द नंबर्स टैग्ड विद सेम एलिमेंट आर कंपेरेबल इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स टैग्ड विद द सेम एलिमेंट. मतलब क्रेडिटर के साथ जितने नंबर्स हैं, अब वो 100 हो, 150, 200, ये कंपेयर हो सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ दे आर डिस्क्राइब्ड बाय दोस प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स. यानी जो आपका इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें आपने जो भी नाम दिया हुआ है मैटर नहीं करता है. द मोमेंट आपने इन सबको एक कॉमन के साथ लिंक कर दिया, नाउ 100, 150, 125 कंपेयर किया जा सकता है. तो बाबू ये सब याद रखिएगा, फाइनेंशियल डेटा मतलब इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेटा, उसको हम लिंक कर रहे हैं वो जो डिक्शनरी है टैक्सोनॉमी उसके बेस्ट एलिमेंट से जो उस फाइनेंशियल डेटा को रिप्रेजेंट करे. तो फाइनेंशियल डेटा कई सारे हो सकते हैं, मैं बोल देता हूं मेनी सिमिलर फाइनेंशियल डेटा. वन एलिमेंट इन टैक्सोनॉमी दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स देम, और इसको हम क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं. दैट्स इट. दिस फैसिलिटेट्स आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, इंटरचेंज एंड कंपैरिजन बिटवीन द रिपोर्ट्स. क्योंकि बाबू ये पता नहीं ये मिस हो गया है, आप लिख लीजिएगा, इट इज XML बेस्ड. नहीं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मिस हुआ है, इट इज XML बेस्ड. दैट्स इट. ये रहने दीजिए, व्हाट डज एक्सपायरी डू, इंपॉर्टेंट नहीं है. ये सिंपल क्या बोल रहा है, नहीं भाई एग्जाम में कुछ भी आ सकता है. सिंबल बोल रहा है कि भैया एक्सपायरल क्या करता है, ये बस आपको एहसास दिलाता है कि भैया अगर आप रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हो तब आराम से पब्लिश करो. ये जानते हुए देखो, आपने खाना बनाया और सबने मन से खाया, कितना मजा आएगा. आपने खाना बनाया और किसी कोई खा ही ना पा रहा है, पता ही नहीं चला खाना कैसे है. तो एक्सपायरल क्या बोलता है कि भैया जो लोग रिपोर्ट बना रहे हैं दे कैन डू इट विथ कॉन्फिडेंस कि चलो इसका प्रॉपर यूज हो जाएगा. जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो उसको आसानी से यूज कर सकते हैं ये सोचकर कि जो डेटा है वो एकदम सही है. तो ये सब आप देख लेना. मेन इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, यूजर्स सर XBRL को कौन कौन यूज करता है. तो बड़ा सिंपल सा है, मैंने आपको पहले बता दिया इंडिया में XBRL यूज होता है. तो अगर आप बैंक्स हैं तो बैंक RBI को अपना डेटा देता है XBRL के थ्रू. तो जितने मेरे रेगुलेटर्स हैं बैंक्स के लिए RBI फाइनेंशियल रेगुलेटर्स. अगर आप लिस्टेड कंपनीज हैं तो सेबी वो यूज करता है. सिक्योरिटीज रेगुलेटर जैसे सेबी या स्टॉक एक्सचेंज विच एनालाइज परफॉर्मेंस एंड कंप्लायंस ऑफ लिस्टेड कंपनीज. जो नॉर्मल कंपनीज है उनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अपने डेटा देना पड़ता है, बैलेंस शीट, PNL. बिजनेस रेगुलेटर दैट नीड टू रिसीव एंड प्रोवाइड कॉर्पोरेट डेटा लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी टू पब्लिक. एंड फाइनली टैक्स अथॉरिटीज. तो जितने भी रेगुलेटर्स हैं दे आर द यूजर्स. वैसे तो यूजर कई सारे हैं, सोचिए एक अकाउंटेंट प्रिपेयर करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फिर जब रिपोर्ट करना पड़ेगा इन XBRL. सर रिपोर्ट किसको करेगा? तो रिपोर्ट कर सकता है रेगुलेटर्स को. इसमें RBI आ गया मेरा, सेबी आ गया अगर आप लिस्टेड हो तो, स्टॉक एक्सचेंज आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आ गया, टैक्स अथॉरिटीज आ गया. इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स वो भी आपस में बाबू रिपोर्टिंग करते हैं इसको. प्लस ये जो रिपोर्ट्स आएंगे जितने एनालिस्ट हैं जितने इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे. दिस विल बी यूज्ड बाय एनालिस्ट टू एनालाइज एंड द इन्वेस्टर्स टू मेक डिसीजन कि मैं इन्वेस्ट करूं कि ना करूं. जस्ट इमेजिन एक US में बैठा आदमी इंडिया में इन्वेस्ट करता है बट इंडिया का बाबू रिपोर्टिंग का फॉर्मेट US से हल्का डिफरेंट है. बिकॉज XBRL है, XBRL हर जगह कॉमन है, वो आराम से एनालाइज एंड डिसीजन ले सकता है. तो
तो गवर्नमेंट लोग भी, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो भी आपस में रिपोर्टिंग करते हैं एक्सबेलर के थ्रू. तो दे इंप्रूव गवर्नमेंट रिपोर्टिंग बाय स्टैंडर्डाइजिंग द वे रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड एंड शेयर विद अदर गवर्नमेंट एजेंसी एज वेल एज पब्लिक. तो सरकार भी बताती है ना कि भैया हमने इतना बजट था, इतना खर्चा किया. डेटा प्रोवाइडर्स, ये ऐसी कंपनीज हैं जिनका काम ही है दूसरों को डेटा देना, जैसे moneycontrol.com, स्टॉक मार्केट की जितने भी वेबसाइट्स हैं. या एक और मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है, कैपिटल लाइन एंड प्रोवेस. पीडब्ल्यूसी में हमारे पास इसका एक्सेस था, इन दोनों का. इनका काम क्या है, ये सारे कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेते हैं और दुनिया भर के रेशियो निकालकर और वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं रेडीमेड, ताकि आपको मेहनत करने की जरूरत न पड़े. सो डेटा प्रोवाइडर्स लाइक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हु यूज द डेटा टू क्रिएट कंपैरिजन रेटिंग एंड अदर वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन लाइक रेशियोज. तो कैपिटल एंड प्रोवेस हो सकता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो सकती हैं. एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड रिलेटिव रिस्क एंड रिलेटिव परफॉर्मेंस. भाई कॉमन लैंग्वेज होगा तभी तो यूएस का एनालिस्ट इंडियन कंपनी को एनालाइज कर रहा है, क्योंकि कॉमन स्टैंडर्ड लैंग्वेज है. एंड इन्वेस्टर्स के लिए भी जरूरी है टू इवेल्युएट द वर्थ ऑफ अ कंपनी एंड मेक डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट. प्लस सर कंपनी यूज क्यों करते हैं, दो काम के लिए. एक तो उनको एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करनी है, दूसरा अगर आप TCS हो, टाटा हो, बड़ी कंपनी हो, इतनी बड़ी कंपनी हो कि आप अपने आप में एक सोचो ना 500,000 एम्प्लॉइज, इंटरनल कम्युनिकेशन में भी ये लोग पंगा पड़ सकता है. TCS कह रहा है हम यूज करेंगे सिंडिकेटर्स, टाटा मोटर्स कह रहा है हम यूज करेंगे अकाउंट्स पेबल, और टाटा स्टील कह रहा है हम यूज करेंगे अदर क्रिएटर्स. तो कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड बिजनेस रिपोर्ट, ये तो बच्चों वाला है. ये वाला कंपनी हु नीड टू मूव इंफॉर्मेशन इन कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स. एंड फाइनली वो बेचारा अकाउंटेंट भाई जो सारा कुछ बनाता है. याद रहेगा 6 है. रेगुलेटर पे अलग से क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो कॉमन क्वेश्चन भी आएगा, रेगुलेटर पे भी अलग से क्वेश्चन पूछा गया है. तो रेगुलेटर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, डेटा प्रोवाइडर्स हो गया, एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स हो गया, खुद कंपनी हो गया, और अकाउंटेंट जो बेचारा बनाता है. फीचर्स, कोई शॉर्टकट तो नहीं है, आप इसी सिंपल CTMs कर सकते हो, कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है. सुनिए XBRL का सबसे बड़ा फायदा क्या है, वो एक लैंग्वेज है, और वो एक ऐसा लैंग्वेज है जहां पर बड़े ही तरीके से बहुत ही सोच समझ के जो गवर्नमेंट है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं, जो रेगुलेटर्स है पूरी दुनिया के, वो लोग आपस से मिलके बैठ के दिमाग लगाकर वो कॉमन जो टैगिंग हुआ है, टैगिंग कि अलग अलग फाइनेंशियल डेटा के लिए हम एक प्रॉपर कॉमन एलिमेंट बना दें टैक्सोनॉमी में. तो पहला फायदा है क्लियर डेफिनेशन, मतलब इट अलाउज क्रिएशन ऑफ रीयूजेबल, क्योंकि ये बार बार यूज होता है, सबको यूज करता है. एंड ऑथोरिटेटिव मतलब विच इज लॉजिकल एंड यूज बाई ऑल, कि भैया ये सही है, आप इस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत सोच बनाया गया है. एलिमेंट्स या डेफिनेशन, जैसे हमारे केस में एलिमेंट्स क्या था, क्रेटस, दैट इज टैक्सोनॉमी, दैट बेस्ट रिप्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा. याद है वो जो तीन डेटा थे, सिंडिकेटर्स, ट्रेड पेबल, अकाउंट्स पेबल, उनके लिए एक आपने क्रिएट कर दिया. दीज एलिमेंट्स या टैक्सोनॉमी आर डेवलप्ड बाय रेगुलेटर्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एटसेट्रा. तो सबसे पहले क्लियर डेफिनेशन. दूसरा सर आप इंटरनल बैलेंस शीट अच्छा बनाओ बुरा बनाओ मतलब नहीं है, बट अगर आप ये रिपोर्टिंग कर रहे हो एक्सटर्नल को, गवर्नमेंट को, रेगुलेटर्स को, मेक श्योर कि भैया वो रिपोर्टिंग अच्छा हो. जैसे नेगेटिव कैश नहीं हो, ऐसा बैलेंस शीट पीरियल मत बना दीजिए क्या ओपनिंग प्लस परचेज से ज्यादा सेल्स हो सकता है क्या, कैन द सेल्स, मैं क्वांटिटी बात कर रहा हूं एक तरह से, बी मोर देन ओपनिंग प्लस परचेज, नहीं. तो XBRL लैंग्वेज जब अपने आप में कई सारे बिजनेस रूल्स बना के चलता है, सो दैट अगर आपके बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ी है तो कई बार वो पता चल जाता है. इट प्रिवेंट द जो अंडर क्वालिटी, बैड क्वालिटी रिपोर्ट्स फ्रॉम बीइंग रिपोर्टेड. इट अलाउज क्रिएशन ऑफ बिजनेस रूल्स दैट कैन बी लॉजिकल और मैथमेटिकल.
These rules stop poor quality information from being prepared, shared or used. It flags or highlight questionable information resulting in corrective action or explanation. Provide value added information like ratios. तो आप रूल्स बना देते हो कि भैया लॉजिकल भी हो सकता है मैथमेटिकल भी, कि भैया जो पुअर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन है वो या तो प्रिपेयर ना हो, प्रिपेयर गलती से हो गया तो शेयर ना हो. प्लस सर 50 प्लस कंट्रीज हैं एंड अनलाइक इंडिया जहां पर हिंदी में बैलेंस शीट आज भी नहीं बनती है, फ्रेंच में, फ्रांस में फ्रेंच में बनती है, जर्मनी में जर्मन में, चाइना में मैंड्रिन में, जापान में जापनीज में, और यूज ये सारे करते हैं. तो बेसिकली जो XBRL है वो केवल इंग्लिश बेस नहीं होगा, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट होगा, सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा. अलाउज द डेफिनेशन दैट इज टैक्सोनॉमी टू बी प्रिपेयर्ड इन एज मेनी लैंग्वेज एज पॉसिबल. इट कैन बी ट्रांसलेटेड इन टू अदर लैंग्वेज एज वेल. क्योंकि बाबू बाकी कंट्रीज अपने लैंग्वेज को लेकर बड़े स्ट्रिक्ट हैं. चाइना में मैंडरिन में ही प्रिपेयर होगा एंड XBRL सबको यूज करता है. ओपन है ना, ओपन है, चूंकि सबको यूज करता है यानी छोटा सॉफ्टवेयर भी और बड़ा सॉफ्टवेयर भी. तो मेक श्योर स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट हो, लार्ज वेंडर टू स्मॉल वेंडर. लिंगोमन लैंग्वेज बाबू, लैंग्वेज 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 लैंग्वेज. अरे ऐसे समझो ना, अगर आप कहीं पंजाब जाइएगा तो पंजाब में, हालांकि मुझे बहुत दिनों के गए हुए बट मुझे ध्यान में है कि वहां पे कोई भी चीज जो लिखा हुआ है वो पंजाबी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है एंड आई थिंक हिंदी में भी लिखा हुआ है, मे बी उर्दू में भी लिखा हुआ है. तो क्या है, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट. कि भैया हो सकता है सबको पंजाबी आती है तो पंजाबी से पढ़ लें, जिनको पंजाबी नहीं आती है वो हिंदी या इंग्लिश से पढ़ लें, तो मल्टीलिंगुअल सपोर्ट हो गया, सिंपल. हाँ बाबू, तो मल्टी लैंग्वेज है तभी तो हम लोग इंग्लिश यूज कर लेते हैं, हम लोग इंग्लिश यूज कर लेते हैं, कौन बड़ा बात है. तो बट अगेन इंडिया ना बाबू इतना बड़ा है कि यहाँ पे कन्नड़ा भी है, मलयाली भी है, पंजाबी भी है एंड सारे लैंग्वेज अपने आप में वेल डेवलप्ड है. बाकी कंट्रीज में इतना नहीं है. पूरा फ्रांस में एक फ्रेंच है, पूरा जर्मनी में एक जर्मन है. तो भैया बाकी लोग का इतना ज़्यादा रिच कल्चर नहीं है, या उनका भी रिच है, मैं ये नहीं कह रहा उनका रिच नहीं है, बट एटलीस्ट जो इंडिया में वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है. तो इंडिया में हमने कॉमन ले लिया इंग्लिश विच इज फाइन, बट बाकी कंट्रीज को भी तो सपोर्ट करना है तो अलग अलग लैंग्वेज. देखो इतना तो मान के चलिए बाबू, इंडिया में वेरिएशन रिचनेस बहुत ज्यादा है. अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे, जितने भी बड़े बड़े लैंग्वेज हैं साउथ इंडिया इस वाले, वो अपने आप में उनका प्रॉपर स्क्रिप्ट वगैरह बहुत वेल मेंटेन और हजारों साल पुराना है. तो वो एक स्ट्रांग पॉइंट हमारा. बट हाँ, कॉमन के लिए इंग्लिश यूज कर लेते हैं, वो सिंपल होता है. क्या XBRL समझ में आया या उड़ गया? बाबू XBRL में प्लीज कंफर्म कीजिए क्या समझ में आया. बाबू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यहीं पर होगा, आफ्टर EIS होगा, बाकी प्लस पे हमारा SM चल रहा है. चलिए, ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट था XBRL. सोचो अगर मैं XBRL जैसे कॉन्सेप्ट को अगर अंडरलाइन कराऊं, हो पाएगा? नहीं. इसलिए अगला है, लास्ट कॉन्सेप्ट, एकदम बच्चों वाला, एप्लीकेबल रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. देखो भैया, आप कहीं भी जाइए, यू हैव टू फॉलो द लोकल लॉज. आप कहीं भी जाइए, इवन अगर आप MNC हो, अरे आप ट्विटर हो, आपको लग रहा बहुत बड़े तीसमार खान हो, नाइजीरिया ने बैन कर दिया ना, और इंडिया में भी बैन होते होते बचा, टिकटॉक को हमने बैन कर ही दिया. द थिंग इज कि हर कंपनी को अपने लॉस फॉलो करने पड़ते हैं. वर्ड होता है अधियरेंस, मतलब फॉलो करना, कंप्लाई करना. तो जो भी कंपनीज है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ये देखना पड़ता है कि उन पर कौन कौन सा लॉ लगता है एंड देन उसको कंप्लाई करना होता है. प्रॉब्लम ये है, समझिए, लॉ कंप्लाई करना नहीं करेंगे तो पेनल्टी, फाइन, बैन सब हो सकता है, जेल वगैरह भी आ सकते हैं. बट एट द सेम टाइम लॉ फॉलो कीजिए, बट जितना कम एफर्ट पे फॉलो हो जाए उतना बेटर. अब जस्ट इमेजिन, आपको टैक्स का, इनकम टैक्स का भी रिटर्न फाइल करना है,
आपको जीएसटी का भी रिटर्न फाइल करना है, आपको अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी करना है, तो सारे करने मेक श्योर कि आप सारे कंप्लाई करें इन अ हार्मोनाइज्ड मैनर. कैसा मैनर? विदाउट कंफ्लिक्ट. एक वर्ड है, हार्मोनाइज होना चाहिए. प्लस प्लस डुप्लीकेशन मत कीजिए. मैंने आपको कई बार यह बताया हुआ है, जो टैक्स ऑडिट होता है ना, टैक्स ऑडिट पूरी तरह से ऑडिट नहीं होता. टैक्स ऑडिट मेन कंपनी ऑडिट होता है, कंपनी ऑडिट के दम पे टैक्स ऑडिट होता है, ताकि डुप्लीकेशन नहीं करना. बाबू डुप्लीकेशन करके किसका फायदा हुआ है? तो एप्लीकेबल रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. रेगुलेटरी कंप्लायंस रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन अधियरेंस, मतलब कंप्लायंस. आप अधियर कर रहे हो, यू आर कंप्लाइंग, यू आर फॉलोइंग विद द लॉज एंड रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस रेलेवेंट फॉर द बिजनेस. ऑर्गेनाइजेशन एस्पायर टू एंश्योर दैट दे आर अवेयर ऑफ द रेलेवेंट लॉज. आपको पता तो कि आप पे क्या क्या लॉ लगता है, क्या क्या लॉ नहीं लगता है. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी का टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर गया और भाई ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया. जब जीएसटी वाले रेड मारे तो क्या कह रहा है? सर हमें तो पता ही नहीं था. तो ऐसा नहीं, किसी सीए को पैसा दीजिए, वो बताएगा आपको कि क्या क्या लॉ आप पे लग रहा है. फैक्ट्रीज एक्ट, ये सब तो एप्लीकेबल लॉज रूल्स वगैरह, एंड टेक द स्टेप्स टू कंप्लाई विद इट. ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजिंग consolidated and harmonized set of compliance control. बार बार नहीं करना है. So that all necessary compliance are met, very important, without unnecessary duplication of effort and activities. और अगर आपने violate किया, interest, penalty, fee, jail, prosecution और ban भी हो सकते हैं, country से आपको निकाला भी जा सकता है. अब देखिए दो type के हैं. एक तो होता है general, जो सब पे लगता है. For example, अगर आप India में हो, आप पे इनकम टैक्स लगेगा कि नहीं? लगेगा. बट क्या कंपनी लॉ सारे बिजनेस पे लगता है? नहीं, कंपनी लॉ कंपनी पे लगता है. क्या फैक्ट्रीज एक्ट सब पे लगता है? नहीं, ये फैक्ट्रीज पे लगता है. क्या कस्टम ड्यूटी सब पे लगता है? नहीं, ये जो इंपोर्ट सॉरी एक्सपोर्ट करेंगे उस पे लगता है. तो टाइप्स में जनरल रेगुलेटरी कंप्लायंस एप्लीकेबल टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, सब पे लगेगा जनरल. और स्पेसिफिक एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस ओनली. एग्जाम्पल, कंपनी लॉ अप्लाइज टू कंपनी ओनली, फैक्ट्रीज एक्ट, कस्टम ड्यूटी. अब देखिए ये ना गलती से ये पेज एक्स्ट्रा हो गया. सॉरी. टॉपिक का नाम देखिए, थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक है, समझ जाएंगे बच्चों वाला है. रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड अकाउंटिंग सिस्टम. देखिए ये रेगुलेटरी कंप्लायंस, यहां पर फोकस है केवल टैक्स कंप्लायंस पे, पहला पॉइंट. दूसरा, ये जो भी हम बातें करेंगे वो ज्यादा इज्जत देंगे हम टैक्स को. सुनिए क्या है. एक होता है वो टैक्स कंप्लायंस और एक होता है अकाउंटिंग कंप्लायंस. दो अलग अलग है, आपकी मर्जी है. आप चाहें तो सॉफ्टवेयर नंबर वन ले लीजिए, आप चाहे तो सॉफ्टवेयर नंबर टू ले लीजिए. एंड ये तो ऑप्शन नंबर वन हुआ. दूसरा ऑप्शन क्या होता है, आप इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर ले लीजिए. ठीक है, इसको बोलेंगे स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स फॉर ईच कंप्लायंस. अब सुनिए, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है एडवांटेज. मैं जो भाव दूंगा, मैं बात करूंगा टैक्स के एंगल से. प्लस आपको ये भी पता है कि बाबू टैक्स कंप्लायंस के लिए भी आपको क्या चाहिए, डेटा. और डेटा का अल्टीमेट सोर्स क्या होता है बाबू? किसी भी डेटा का अल्टीमेट सोर्स अकाउंटिंग सिस्टम ही होता है. यहीं से डेटा आता है और तब आप टैक्स कंप्लायंस करते हैं. अगर आपको रिटर्न फाइल करनी है इनकम टैक्स की, जीएसटी की, सेल और परचेज का डेटा, तो अकाउंटिंग सिस्टम से आएगा ना. अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो अलग अलग ले सकते हैं, आप चाहे तो इकट्ठे ले सकते हैं. अब इसका जो कंपैरिजन है उसे एक शॉर्टकट है, फैसेट. जैसे सबसे पहला है कि सर किसमें फीचर ज्यादा होगा बताइए. अगेन, जब मैं बोलूंगा किसमें फीचर ज्यादा है, मैं किसके एंगल से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, अकाउंट्स के या टैक्स के, लिखिए बताइए. मैं पूछ रहा हूं किसमें फीचर ज्यादा होगा, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, अकाउंटिंग कंप्लायंस या टैक्स कंप्लायंस?
कंप्लायंस, बताइए कॉमन सेंस बताइए, ज्यादा फीचर किस में होगा, स्पेशलाइज्ड वाले में या इंटीग्रेटेड वाले में? सर ऑब्वियसली स्पेशलाइज्ड वाले में, अगर एक सॉफ्टवेयर बना ही है केवल टैक्स कंप्लायंस के लिए, उसके फीचर्स ज्यादा होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा ए से, सर पहले ई आते हैं, सर ज्यादा आसान कौन सा होगा, ज्यादा आसान अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टैक्स कंप्लायंस, अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया यानी एक ही सॉफ्टवेयर में डिप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग एंड डिप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 कंपनी इनकम टैक्स एक्ट, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अलग अलग रहेगा, ज्यादा आसान रहेगा। तो ईज में भी ईज ऑफ ऑपरेशन सेपरेट वाला ज्यादा बेटर है। कॉस्ट, मैं आपको बता दे रहा हूं, टैक्स सॉफ्टवेयर बहुत सस्ता होता है, एग्जाम्पल के तौर पे वेबिटैक्स, वेबटेल, कॉम्प्यूटेक्स, ये सब सॉफ्टवेयर हैं, आप सर्च कीजिएगा पता चल जाएगा, बहुत सस्ता होता है। अगर इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, अगर पहले से इनबिल्ट ठीक है, बट अगर आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जबरदस्ती के ऐड करवाया ना, वो एनहेंसमेंट मॉडिफिकेशन ज्यादा पैसा लगेगा, उसे कहीं सस्ता पड़ता है, आप टैक्स सॉफ्टवेयर ले लीजिए, सस्ता पड़ता है। तो कॉस्ट में भी बेटर कौन है, स्पेशलाइज्ड। तो एफ सी ई, देखिए दे आर क्लोजली कनेक्टेड एज रेगुलेटरी कंप्लायंस रिक्वायर्स डेटा एंड अकाउंटिंग डेटा कम्स फ्रॉम अकाउंटिंग सिस्टम। दो अप्रोच है, एक तो सेम सॉफ्टवेयर जिसको हम प्यार से बोलते हैं इंटीग्रेटेड, और दूसरा डिफरेंट सॉफ्टवेयर जिसको हम प्यार से बोलेंगे स्पेशलाइज्ड। आसान कौन सा होगा, तो सर इंटीग्रेटेड सिस्टम में एक जगह चेंज करेंगे दूसरी जगह प्रॉब्लम हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन का जो कैलकुलेशन होगा वो अकाउंट से भी करना पड़ेगा एंड सेक्शन 32 इनकम टैक्स में भी करना होगा, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। ईज कम है स्पेशलाइज में मोर, एज दिस इज यूज ओनली फॉर वन सिंगल पर्पज, सो मोर स्पेशलाइज। तो यहां पे अकाउंटिंग वाले सॉफ्टवेयर में अकाउंट का काम चलेगा, टैक्स वाले में टैक्स का, तो ज्यादा आसान है। दूसरा फीचर, सर अगर एक्सक्लूसिवली टैक्स के लिए बना हुआ है तो फीचर ज्यादा होगा, ये तो कॉमन है, फीचर थोड़ा कम होगा। अगला है कॉस्ट, मैंने पहले बता दिया टैक्स का बाबू बहुत सस्ता होता है, एज इट इज स्पेशल सॉफ्टवेयर इट इज लेस, बट या तो आपने इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर लीजिए तो ठीक है, अगर आपने कस्टमाइज करवाया ना स्पेशली फॉर टैक्स कंप्लायंस इट इज मोर कॉस्टली देन परचेजिंग सेपरेट। अब छोटा सा पॉइंट देखिए, टैक्स कंप्लायंस करने के लिए यहां से डेटा जाएगा, अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो डेटा सॉफ्टवेयर के बाहर जा रहा है नहीं, बट अगर सेपरेट सॉफ्टवेयर है तो डेटा एक सॉफ्टवेयर से निकाला जाएगा और दूसरे सॉफ्टवेयर में डाला जाएगा, और जब भी आप एक सॉफ्टवेयर से निकालेंगे और दूसरे में डालेंगे रिस्क ऑफ एरर बढ़ जाएगी। तो अगर मैं पूछूं सर एक्यूरेसी, तो वो एक्यूरेसी डिफरेंट वाले में कम होगा, क्यों, क्योंकि वहां पे मूवमेंट ऑफ डेटा है, इंटीग्रेटेड में मूवमेंट ऑफ डेटा तो है नहीं, तो वहां पे एक्यूरेसी ज्यादा होती है, मोर एज नो मूवमेंट ऑफ डेटा बिटवीन डिफरेंट सिस्टम सो नो एरर। बट अगर सेपरेट है तो अकाउंटिंग डेटा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से निकालकर टैक्स में डालना पड़ेगा, इस मूवमेंट के कारण देर आर टू सिस्टम द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसमैच, ये जो मूवमेंट होगा खुद मिसमैच हो जाए, प्लस इसमें टाइम भी लगता है, तो टाइम एंड एफर्ट ये भी आपके अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड सिस्टम है डेटा ट्रांसफर में टाइम नहीं लगेगा, बट अगर अलग अलग है तो डेटा को मूव करना पड़ेगा उसमें टाइम एंड एफर्ट लगेगा। तो अगर कोई आपसे पूछे एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो क्या बोलोगे, जो एटी है एटी वो डिसएडवांटेज है और जो एफसीई है वो आपका एडवांटेज है विथ रिस्पेक्ट टू टैक्स, विथ रिस्पेक्ट टू टैक्स। ये समझ में आया या नहीं आया? चलिए, और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 स्वाहा हो गया। अब आपका काम क्या है,
दो दिन की छुट्टी है, मतलब गैप है, छुट्टी चाहिए, गैप है। दो ऑप्शन होगा, दो टाइप के बच्चे होंगे। एक वो बच्चा जो इन दो दिन में पूरा चैप्टर रिवाइज करेगा, ऑल सेवन लेक्चर, और फिर 11th ऑफ सितंबर को क्वेश्चन डिस्कशन के लिए रेडी रहेगा, एनएमसीक्यू डिस्कशन के लिए। और एक बच्चा होगा जो दो दिन मस्ती मारेगा। आप देख लीजिए, आप सब समझदार हो, आप किस कैटेगरी में आना चाह रहे हैं। अगर मूवमेंट होगा बाबू, मूवमेंट, तो मूवमेंट में टाइम नहीं लगता है, लगता है तो आपका डिसएडवांटेज है, टाइम ज्यादा लग रहा है। इंटीग्रेटेड में मूवमेंट नहीं है तो टाइम नहीं लगेगा, तो ये दोनों का लॉजिक सेम है। मूवमेंट के कारण, चूंकि मूवमेंट हो रहा है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा टैक्स वालों को, और एक्यूरेसी भी कम हो जाएगी। थैंक्स सर अभिनल मनस सुनी। ओके चलिए मैं रिवाइज लेता हूं एंड फिर हम लोग थोड़ी सी बातें करके डाउट लेकर घर चलेंगे। हमने आज क्या स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया बिजनेस रिपोर्टिंग। मैंने बोला बिजनेस रिपोर्टिंग में दो पार्ट होता है, एक होता है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, यहाँ पे आप रेगुलेटर्स वगैरह को रिपोर्ट करते हो, दूसरा इंटरनल फॉर मेकिंग डिसीजंस। इसके अलावा सर आप क्या रिपोर्ट करते हो, तो मैं रिपोर्ट करता हूँ विजन मिशन ऑब्जेक्टिव, रिपोर्ट करता हूँ अपना कॉर्पोरेट सोशल एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं ये भी रिपोर्ट करता हूँ ट्रेड ऑफ बिटवीन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज एंड फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। सर कैसे करते हैं, तो टाइप्स में तीन थे, वैसे तो दो थे, उसे कंप्रेस करके तीन बना दिया गया। एक था रेगुलेटरी एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जैसे नॉर्मल अकाउंटिंग एनुअल रिपोर्ट। दूसरा आपका एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, ESG, याद देखिएगा ESG, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस रिपोर्ट। और तीसरा इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। सर ये क्यों जरूरी है, जरूरी है क्योंकि पांच रीजन है। सबसे पहला, ये कंपनी को मौका देता है दैट यू कैन कोहेसिवली एक्सप्लेन द बिजनेस परफॉर्मेंस टू योर स्टेक होल्डर्स। दूसरा, इट हेल्प द स्टेक होल्डर्स टू असेस द बिजनेस परफॉर्मेंस एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। तीसरा, इट ऑल्सो nowadays the stakeholders are demanding greater insight into the functioning of the company with respect to environment, society, governance, etc. plus agar high quality reports hai, internal decisions better hoga, and this is also at the heart of better financial market and economies. ab ye business reporting karne ke liye ek language aata hai, XBRL. maine kya bola, it is the open standard internationally recognized language which is based on XML. here the financial data is tagged with the most appropriate element in the taxonomy which best represented data used by more than 50 countries and managed by non-for-profit international consortium comprising of more than 600 organizations. iske alawa sir iske features kya hai, maine bola CTMs ya TCSM ya CTMs, to C se kya tha, क्लियर बिजनेस रूल्स या क्लियर डेफिनेशंस। क्लियर डेफिनेशन का मतलब हुआ कि भैया हर फाइनेंशियल डेटा के लिए यू हैव क्रिएटेड और रीयूजेबल, की वर्ड है रीयूजेबल एंड ऑथोरिटेटिव वो डेफिनेशन या टैक्सोनॉमी विच कैन बी यूज्ड। टी से टेस्टेबल बिजनेस रूल्स, मेक श्योर दैट द डेटा बींग प्रिपेयर्ड, नो पुअर क्वालिटी डेटा इज प्रिपेयर्ड और यूज्ड। It highlights or flags suspicious transactions and prevents bad reports from getting prepared or reported. M say multilingual support, because there are so many countries, make sure that there is support for all the language, and also strong software support, because right from small vendor to large vendor sabko use karta hai. Fir unhone bola sir iske users kon hai, to user hoga sir regulators, isme SEBI, financial regulators, business regulators jaise complex group jaise Tata. आई थिंक कुछ लैग हुआ था बट अब ठीक हो गया होगा। देन मैं मिस हो गया। हाँ, एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स वो लोग भी यूज करते हैं, प्लस जो डेटा प्रोवाइडर्स होते हैं जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, दे आल्सो यूज फॉर कंपैरिजन एंड प्रोवाइडिंग द वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन लाइक रेशियोज, एंड फाइनली अकाउंटेंट। और फिर हमने पढ़ा रेगुलेटरी कंप्लायंस। रेगुलेटरी कंप्लायंस बहुत जरूरी होता है, यू हैव टू कंप्लाई विद द रेलेवेंट लॉज, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस एटसेट्रा ऑफ द इंडस्ट्री इन विच यू ऑपरेट। Non-compliance will attract fine, penalty, prosecution. Make sure you are aware of the laws that is being applicable to you, and you are
normally people use consolidated and harmonized system of compliance without unnecessary duplication and extra efforts. अब दो तरीका होता है, या तो integrated software या separate software. अगर integrated software लेते हैं उसका फायदा है 80, या अगर मैं टैक्सी एंगल से बात करूँगा टैक्सी एंगल से अगर आप अलग अलग लेते हैं तो फायदा है FCE. अलग अलग लेने का फीचर ज़्यादा मिल जाएगा, ईज ऑफ ऑपरेशन बेटर होगा एंड कॉस्ट कम होगा. डिसएडवांटेज ये होगा कि अलग अलग लेने में डेटा को मूव करना पड़ेगा, जिससे अगर एक्यूरेसी कम हो जाएगी एंड टाइम एंड एफर्ट ज़्यादा लगेगा. चलिए बाबू, कोई डाउट है बताइए, एल्स हम लोग घर चलेंगे. अगर पसंद आया हो आप लाइक कर दीजिएगा. बिल्कुल फसेट TCSM, ठीक है मनोज सोनी, बिल्कुल सही बात है. हाँ जी, अगर कंट्रोल में है तो भी बता दीजिए, घर चलते हैं. राधिका, रोहित, शिंदे, सूरज, रूपांजलि, प्रशांत. अच्छा, TMC सरकार, ये भी हो सकता है TMC सरकार, CTMs का. चलिए, हाँ जी रूपांजलि, आप आज आए नहीं, हो गया. आकाश बाबू, ठीक है, हम लोग मिलते हैं 11th को. ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय. काव्या, रूपांजलि, शिंदे, आकाश, बाय बाय.